Hello guys, myself Shivam और आज हमारी डिमांड की फिफ्थ क्लास। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने किया था चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। आज हम करेंगे पॉइंट नंबर टू, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। इसके अलावा आज हम डिटेल करेंगे सेकेंड पॉइंट, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज आता है तो उसे डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। गाइस हमेशा याद रखना, जब भी हम बात करते हैं इनकम की, तो गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। मैं जानता हूं आपके मन में क्या डाउट चल रहा है, अगर आप मेरी क्लास नंबर 4 यानी लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो डाउट ये चल रहा होगा कि सर हमें ये बताओ कि गुड्स असल में कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस मैं बता दूं, ब्रॉडली गुड्स तो कई टाइप में होते हैं, कोई एक दो टाइप नहीं, उनके कई सारे टाइप्स हैं, जिनमें हम गुड्स को अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो दो बेसिस पर डिवाइड करेंगे। मैंने ये नहीं बोला दो गुड्स में डिवाइड करें, मैंने बोला दो बेसिस में डिवाइड करेंगे। गुड्स टू बेसिस, इनकम बेसिस, रिलेटेड गुड्स। इनकम बेसिस, रिलेटेड गुड्स। इनकम बेस में गुड्स दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल, इन्फीरियर। और रिलेटेड गुड्स में गुड्स दो टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। या अगर अभी भी नहीं समझ आया तो अभी इस पॉइंट के बाद मैं आपको एक छोटी समरी बना के दिखा दूंगा जिसमें गुड्स के टाइप्स नजर आ जाएंगे। फिलहाल अभी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से डिमांड में कैसे चेंज आता है, तो डिमांड में जो चेंज आता है वो दो गुड्स में आता है, नॉर्मल और इन्फीरियर, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पास नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की। तो यहां पर हम लिख रहे हैं अपने नॉर्मल गुड्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे अपने पास इन्फीरियर गुड्स के बारे में, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, राइट। सो आज की चर्चा सिर्फ हमारी इतनी है कि क्या नॉर्मल गुड्स होते हैं और क्या इन्फीरियर गुड्स होते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पार्ट पे। तो गाइस आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, डेफिनेशन बनाना सीखो चीज को समझ के। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और यहां जो आप देख रहे हैं इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इसका मतलब देखो गाइस, सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ी देर के लिए अपना एक माइंड सेट कर लो कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, आपके अकॉर्डिंग होती है, वो सभी के सभी नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है। और जो चीज आपके अकॉर्डिंग खराब है, लोकल क्वालिटी की है, वो सारे के सारे गुड्स क्या होंगे, इंफीरियर गुड्स। यानी जितने अच्छी चीज है वो नॉर्मल गुड्स और जितने घटिया चीजें हैं वो इंफीरियर गुड्स। थोड़ी देर के लिए एक बेस बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसके बाद मत करना ये काम। सिर्फ एक बेस बनाने के लिए भी आप क्या सोच के चलो कि नॉर्मल गुड्स अच्छी चीजें होती हैं और इंफीरियर गुड्स घटिया चीजें होती हैं, राइट। सर हमें बात तो समझ आ गई लेकिन अच्छी चीज का मतलब क्या? अरे मेरे लिए अच्छी चीज हो सकती है कि मैं ताज होटल में एक मेरा अपना घर हो, दुबई के बुर्ज खलीफा में मेरा अपना एक फ्लोर हो, मेरे लिए वो अच्छी चीज है। लेकिन बात करें मुकेश अंबानी की, बात करें शाहरुख खान की, तो इन लोगों के लिए बुर्ज खलीफा में एक फ्लोर क्या अच्छी चीज है? उनके लिए तो ये होगा कि जब वो पूरा बुर्ज खलीफा खरीद लें तो वो कहेंगे हाँ अब कुछ किया है हमने। तो यानी अच्छी चीज और खराब चीज की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि इट्स डिपेंड ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम के लेवल के अकॉर्डिंग चीजें अच्छी अलग होती है और खराब अलग होती है। किसी दूसरे पर्सन के लिए इनकम के हिसाब से चीजें अच्छी अलग होती है और खराब अलग होती है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं 1000 रुपए महीने के कमाता हूं, वैसे तो मैं इतने भी नहीं कमाता, कुछ नहीं, फिलहाल मान लेते हैं मैं 1000 रुपए महीने के कमा रहा हूं। सोचो 1000 रुपए महीने के कमाने वाले के लिए कौन सा पेन अच्छा होता होगा, किस पेन को वो बोलता है कि ये मेरे बहुत कॉस्टली पेन है और बहुत अच्छा पेन है? तो वो होगा पार्कर। मैं 1000 रुपए कमाता हूं और 60-70 रुपए एक पार्कर खरीद के लेकर आता हूं तो मैं कहूंगा भाई ये पेन बहुत बढ़िया, पूरे मोहल्ले को बता दूंगा पार्कर खरीदा है, क्योंकि इनकम 1000 रुपए है, मेरे बहुत अच्छी चीज है। बात करते हैं आप लोग जो बैठे हुए हो और आप लोग ये पॉकेट मनी है 10-10 हजार रुपए,
अभी हम पापा के बारे में मत सोचो कि पापा ने 10,000 कभी दिए ही नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके पापा ने आपको 10,000 रुपए की पॉकेट मनी हर महीने आपको देते हैं, अब मुझे कितनी मिलती है? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए वाले के लिए पार्कर पेन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप जैसे 10,000 रुपए कमाने वाले के लिए पार्कर पेन क्या है? गिफ्ट करने वाले के लिए तो बांट लो, लूट लो। आपके लिए तो ये है, आपके लिए क्या है कि उस पार्कर के पेन के ऊपर अगर गोल्ड प्लेटेड पेन है तो दैट इज कॉल्ड मतलब अच्छी चीज आपके लिए वो हुई। पार्कर पेन आपके लिए अच्छी चीज नहीं, क्योंकि आपका इनकम लेवल हायर है, मेरा इनकम लेवल लोअर है, इसलिए मेरे पार्कर पेन बहुत अच्छी चीज है। तो यार वहां अच्छी और खराब चीजों की कोई लिस्ट नहीं होती है, बल्कि ये तो इनकम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अच्छी क्या है और खराब क्या है, राइट। तो देखना नॉर्मल गुड्स जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना नॉर्मल गुड्स की, अभी मैं उसके बारे में बताऊं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें इनकम या कोई पैसे को डिनोट है, ठीक है, जिनमें इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। फिर से बोलो, ठीक है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। ऐसे गुड्स को हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। समझ आई आपको बात? तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनमें इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। दोनों में कैसा रिलेशन है बताओ? डायरेक्ट रिलेशन है। किसमें? प्राइस और डिमांड में। आंसर इज नो, इनकम और डिमांड में। जब इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो जो गुड्स निकल के आते हैं, जिन गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो, उन्हीं गुड्स को हम नाम दे देते हैं नॉर्मल गुड्स। क्या मैं ओवरऑल पिक्चर को दिखा के आपको ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल गुड्स वे गुड्स हैं जहां पर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है? व्हाट डू यू मीन पॉजिटिव? पॉजिटिव मींस इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर इंक्रीजेस देयर डिमांड आर आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब इनकम के कम होने पर डिमांड कम हो रही है। ऐसे पॉजिटिव रिलेशनशिप इनकम और डिमांड के बीच में जो होते हैं, इन्हीं गुड्स को हम नाम देते हैं नॉर्मल गुड्स। बोलो बात समझ आई आपको? तो डेफिनेशन बनाना सीखो, रटना नहीं। रटोगे कब तक? समझ पा रहे हो? रटना नहीं है, चीजों को बनाना सीखो। अगर आपको अभी भी समझाने में कोई डाउट नजर आए ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं स्पेशल वीडियो भी उस चीज के लिए बना दूंगा, लेकिन आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। तो देखना नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, तो मैं डेफिनेशन पार्ट पर अपने पास आ रहा हूँ। गाइस प्लीज जहां भी आप लोग बैठे हो प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करना। जहां भी बैठा मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है अगर आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने इकोनॉमिक्स में तो आप वहीं बैठे बैठे मुंह से डिक्टेट करो। जितनी बार चीजें बोलोगे उतनी जल्दी लर्न होगी आपको। लिखना एक अलग चीज है, बट मुंह से बोलने पर जो चीज मेमोराइज होती है वो कभी नहीं भूल सकते आप लोग। नॉर्मल गुड्स डिफाइन, तो मैं डिफाइन में लिखूंगा, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स where income effect is positive, where income effect is positive। अच्छा guys आप लोग बताओ income effect is positive का मतलब क्या हुआ? याद रखो income बढ़ी तो demand बढ़ी, income कम तो demand कम, this is called positive relationship, right? So normal goods are those goods where income effect is positive। मैं आगे लिख भी रहा हूं आप लोगों के लिए। It means if income of the consumer increases as a result there demand are also increases, their demand are also increases and vice versa। अच्छा vice versa मतलब ना, कई बच्चे मुझसे बैच में पूछते हैं vice versa मतलब क्या है, तो आप लोग भी जान लो vice versa मतलब just इसका opposite। जैसे मैंने क्या लिखा है, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती हो, ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। एंड वाइस वर्सा अपोजिट, अगर इनकम कम होती है और डिमांड कम होती है तो ऐसे भी गुड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स। यहां तो चीज समझ आई है? हम मैं पूछ क्या रहा हूं, मतलब चीजें क्लियर है ना आप लोगों को, राइट।
अब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल की। तो देखिए शेड्यूल, मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा एक्चुअली, हाइट ज्यादा बहुत छोटा है। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में इनकम और डिमांड दो चीजें हम अपने पास लेंगे। तो आप लोग एक बात, तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, और इनकम के कम होने पर डिमांड क्या होती है, कम होती है। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। तो देखो इनकम 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई है। जैसी इनकम बढ़ी तो मैंने जिन गुड्स की डिमांड बढ़ाई है इन गुड्स को हम अपने पास बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, राइट। पंडित गिरी टाइम आ गया भविष्यवाणी करने, ऐसा रिलेशन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन वाले डायग्राम की भविष्यवाणी बता दो, इनका भविष्य क्या होने वाला है, इनका भविष्य अपवर्ड, यानी कि इसका जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। वेरी गुड, पंडित गिरी आप करना बहुत अच्छे से सीख गए। अभी भी कुछ लोग वहां हंस रहे हैं कि उन्हें पंडित गिरी का नहीं लगे, लेकिन आप सीख लो, ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं चलने वाली 12th क्लास में। अब यहां पर हम इसका एक कर्व बनाते हैं एक्स जीरो और वाई। यहां पर लेते हैं क्वांटिटी डिमांड, यहां पर लेते हैं इनकम। तो इनकम जो थी वो हमारी 10,000 और 20,000, डिमांड 2, 4, 6। तो गाइस आप देख पा रहे हैं 10,000 रुपीज की इनकम पे डिमांड कितनी हो रही है, 2 यूनिट्स की। 10,000 पे 2 यूनिट्स, 20,000 पे 5 यूनिट्स। आप उन्हें सही भविष्यवाणी बताई थी, डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड। अब तो क्लियर हो गया, हम पूरे स्टेप करवा लो डांस वाले। तो ये अपवर्ड, ठीक है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बना डिमांड का। यहां तक की चीज समझ आई है, थोड़ा सा मैं बुक से हटू गया, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। समझ आ गई भाई, परमिशन है, मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए नॉर्मल गुड्स को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ, जिससे चीजें आपके समझ में आए। देखो मेरी इनकम जब पहले 10,000 थी ना, बता रहा हूं अपने दिल की बात, जब मेरी इनकम 10,000 रुपए थी तो मैं नाइकी के ना दो शूज खरीदता था, सिर्फ दो पेयर। दो शूज का मतलब ये नहीं लेफ्ट राइट, भाई लेफ्ट राइट एक पेयर और एक और पेयर, मतलब दो पेयर खरीदता था। जैसी इनकम बढ़ी ना 10 से 20,000, वैसे मैंने नाइकी के दो पेयर शूज नहीं बल्कि 5 पेयर शूज खरीद लिए। यानी आपने इनकम के बढ़ने पर जिनको वैल्यू ज्यादा दी, इनकम के बढ़ने पर जिनको वैल्यू ज्यादा दी, सच गुड्स इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। और यही अगर मेरी इनकम कम हो जाती है और मैं इनकी डिमांड कम कर देता तो भी ये क्या कहलाती, नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में कभी आप कोई चार्ट नहीं याद करोगे कि अच्छा ये गुड्स नॉर्मल है ये इंफीरियर। अरे भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जो चीज मेरे लिए नॉर्मल है हो सकता है मुकेश अंबानी के लिए वो चीज इंफीरियर हो। भाई मुझे दो एसियां मिल जाए कमरे के अंदर और मैं पूरी अच्छे से ढंग से पढ़ाऊं रिलैक्स होके, तो मेरे लिए अच्छी चीज है, मेरे लिए नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब वैसे नॉर्मल नहीं, मतलब अच्छी चीजों वाला नॉर्मल है। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये चीज क्या है, इन्फीरियर। भाई पंखे के भाव भी नहीं उसके लिए एसी, तो समझ पा रहे हो। तो ये था आपका नॉर्मल गुड्स। अब हम बात करेंगे अपने पास इन्फीरियर गुड्स की। तो आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर सकते हैं। आई थिंक सब चीज आपको विजिबल है अभी, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स का जो पार्ट है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपका इन्फीरियर गुड्स टेकअप करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए पीस आउट।